सर Realme 12 Pro 3 जिसका हम सभी इंडियन यूजर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंडिया में लॉन्च होने का। और यार बीते कुछ ही दिनों पहले इंडिया में लॉन्च हुए Redmi Note 13 Pro सीरीज के बाद भी हम सभी टेक लवर्स Redmi और Realme की टक्कर देखने को तैयार है। और यार इसी बीच Realme ब्रांड की तरफ से Realme 12 Pro सीरीज की स्पेक्शन और लॉन्च डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि यार अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट यार उससे पहले ऐसे ही न्यू स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उसको दबा दीजिए। और यार वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्यारा से कमेंट करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यार सबसे पहले तो ये स्मार्टफोन Realme 12 Pro सीरीज 29 जनवरी 2024 को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और यार इसमें दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, Realme 12 Pro और यार Realme 12 Pro Plus। और यार शायद तीसरा एक स्मार्टफोन और Realme की तरफ से लॉन्च हो सकता है Realme 12 Pro Max करके, बट यार उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले इस स्मार्टफोन में आप लोगों को Realme 12 Pro सीरीज स्मार्टफोन की स्पेक्स बता देता हूँ। यार सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार Realme 12 Pro सीरीज में आप लोगों को कैमरा कैसा देखने को मिलने वाला है। वैसे तो यार सुना गया कि यार इसमें आपको 200 मेगापिक्सल देखने को तो मिलेगा ही, बट यार इस स्मार्टफोन की बड़ी बात ये नहीं होने वाली है कि यार इसमें आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में बड़ी बात कुछ और ही होने वाली है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यार अभी बीते कुछ ही दिनों में लॉन्च हुए हैं Redmi Note 13 सीरीज, जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला है। और यार Realme के 12 Pro सीरीज में भी आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। बट यार Realme की जो खास बात है 12 सीरीज में, इसमें आपको पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलेगा 120F के जूम के साथ, जो कि आपको Redmi Note 13 सीरीज में देखने को नहीं मिला है। तो यार इस बार ये आप लोगों को काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी Redmi और Realme के सीरीज में। बाकी यार Realme के ब्रांड की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया Realme 12 सीरीज के कैमरा की क्वालिटी दिखाने के लिए, जो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। और यार Realme सीरीज में आप लोगों को फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। बाकी यार अभी लीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि दोस्तों Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको कर्व एज डिस्प्ले AMOLED का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ ही यार इसमें आपको डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और यार Realme के इस सीरीज में आपको Snapdragon 7 Generation 2 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। बाकी यार आगे क्या लीक्स आती है उसके मुताबिक आप लोगों को बात पता चलने वाली है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो लाता ही रहता हूं। और यार Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन 4 स्टोरेज रैम वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, जो कि आप लोगों को एक देखने को मिल जाएगा 8GB रैम प्लस 256GB के इंटरनल स्टोरेज साथ, 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज साथ, 12GB रैम और 512GB तक के इंटरनल स्टोरेज साथ। और यार साथ ही आप लोगों को एक 16GB तक का रैम और 201TB तक के तगड़े इंटरनल स्टोरेज साथ ये सीरीज में आप लोगों को वेरिएंट स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। बाकी यार इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें आपको 4880mAh तक की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों फास्टिंग चार्जिंग अडॉप्टर 67W के अडॉप्टर को सपोर्ट करने वाली है। बाकी यार ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 के ऊपर आधारित होने वाली है। और साथ ही यार इसके एक स्मार्टफोन में आपको 120W का फास्टिंग चार्जिंग अडॉप्टर भी देखने को मिलने वाला है। यार ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन Realme 12 Pro 5G सीरीज की स्पेक्शन के बारे में। बाकी यार Realme 12 Pro सीरीज में आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन की जैसे ही कंफर्म स्पेक्शन आती है आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके लिए यार सबसे पहले आप लोग नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और यार इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज आप लोगों की यह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, वरना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, और मोटिवेशन नहीं मिलता है तो यार वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यार वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।